इसमें स्पेशलिटी केमिकल में दीपक नाइट्रेट जैसे काउंटर्स भी हैं जहां पर लगभग 2-2.5% की मूव है। क्या आप दीपक नाइट्रेट पर बेट लेंगे कुश? जी हाँ, देखिए इसका ओवरऑल सेटअप यू नो काफी पॉजिटिव है और एक रेजिस्टेंस जोन था इसका करीब 2270 2280 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास का। स्टॉक ने काफी समय लगाया था इसे क्रॉस करने के लिए लेकिन आज स्टॉक यू नो कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है और सेशन की शुरुआत ही हुई है और इसमें वॉल्यूम एक्शन काफी अच्छा देखने को मिला है। तो देखिए ओवरऑल सेटअप तो दीपक नाइट्रेट का पॉजिटिव ही था लेकिन अब जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकल चुका है तब इसमें मोमेंटम और ज्यादा यू नो तेजी से आप लौटता हुआ देखेंगे। पे जो मेरा पहला टारगेट है विच इज 2400, जो दूसरा टारगेट है 2480, इन दोनों टारगेट्स के लिए आप स्टॉक में बाय कर सकते हैं। जो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बन के आएगा वो है करीब 2250 2240 के जो जोन है इसके आसपास। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, रेजिस्टेंस के पार निकल चुका है, द स्टॉक विल गैदर फर्दर मोमेंटम फ्रॉम हियर। ठीक है, ऑटोमोबाइल प्लेस तो तेजी दिखाई रहे हैं, करीब 200 अंकों की बढ़त निफ्टी ऑटो इंडेक्स में देखेंगे हम, लेकिन प्रशांत ऑटो एंसिलरीज पर इस वक्त क्या राय होगी, क्योंकि जहां ऑटो स्टॉक्स चलेंगे ऑटो एंसिलरी भी फोकस में रहेंगे, जेके टायर लाइक्स ऑफ टायर स्टॉक्स या पर्टिकुलरली एंसिलरी स्पेस में अगर कुछ जिस पर आपकी नजर हो। मानसी, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, आप ईवी लो या आप डीजल लो या पेट्रोल लो, टायर्स तो वही लगेंगे। तो डेफिनेटली इस सेक्टर की तरफ मेरा ध्यान बहुत ज्यादा है और इसमें अपोलो टायर्स मुझे लग रहा है एक बड़ी मूव के लिए तैयार हो रहा है क्योंकि ये रेजिस्टेंस से थोड़ा दूर है और इसमें एक जो बॉलिंजर बैंड हम टेक्निकल में यूज करते हैं उस पर ये बैंड वॉक कर रहा है, मोमेंटम का साथ है। तो अभी ये करीबन 292 चल रहा है, मेरे हिसाब से 284 का स्टॉप लॉस रख के आप इसको बाय कर सकते हो। टारगेट इसमें होना चाहिए आपका 315 का टारगेट 1315, बट मुझे लग रहा है ओवरऑल ये स्टॉक 330 तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। नजर आ सकते हैं एसआरएफ पर एक बार, कुछ आप अपनी राय दीजिए। 2530 के स्तरों पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, 543 2543 तक के लेवल्स अचीव करने की कोशिश आज की भी और अपॉर्चुनिटी बिल्ट भी होती हुई दिखी, ऑलमोस्ट यही हाई भी है आज के, आपकी राय क्या होगी एसआरएफ पर? जी हाँ, देखिए जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है दिस इज यू नो वन ऑफ आवर फेवरेट स्टॉक्स, वन ऑफ आवर टॉप पिक्स, लेकिन जस्ट अभी ट्रेडिंग के हिसाब से अगर मैं देखूं तो स्टॉक एक हल्के से यू नो डाउन ट्रेंड में है और कई मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन्स जो हैं इस पे निकल के आए हैं, यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बीइंग 2600 2590 के जो जोन्स हैं अराउंड दैट। स्टॉक एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है अराउंड 2480 जोन्स और यू नो बार बार उस लेवल को टेस्ट कर रहा है, इट्स नॉट अ गुड साइन। अगर मान लीजिए वहां पे आके ब्रेक करता है तो स्टॉक नीचे फर्दर स्लाइड हो सकता है, तो मैं कहूंगा फिलहाल इसमें एंट्री ना लें। अगर आपकी एक्जिस्टिंग पोजिशन हो तो यही 2480 के जो लेवल्स हैं इनको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के यू नो आप इस पोजिशन में बने रह सकते हैं, बट फ्रेश पोजिशन में एक बार स्टॉक यू नो जो 2600 के लेवल्स हैं इसके ऊपर यू नो मीनिंगफुली क्रॉस कर जाएगा फिर ही लूंगा, अदरवाइज आई विल जस्ट यू नो वेट एंड वॉच बिटवीन 2480 एंड 2600 लेवल्स। ठीक है, ऑलराइट। तो अभी आप स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में तो मूव देखनी शुरू हुई है, कुछ समय पॉज जरूर था लेकिन आप दीपक नाइट्रेट हो एसआरएफ में सब में मूव दिख रही हैं।